खड़ी ना आ रही सो चलो बिल्कुल खड़ी हो चलो बाहर चलते तो भाई चलते हैं अंदर क्योंकि आज जा गई हेलो जी सभी को राम राम मेरी तरफ से। तो भाई सुबह का टाइम है 7:30 बज चुके हैं और इधर जीजी खड़ी है तो नीम की दातुन कर रही है। तो हम जा रहे हैं भाई खेत में, देख सकते हैं क्योंकि खेत में झाड़ आड़ हो रहे हैं तो उनको साफ करने के लिए डोड़ान को और जीजी जा रही है साथ में, तीन जा रहे हैं और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तब तो चलते हैं भाई। तो भाई चल दिए हैं और बज चुके हैं अभी तो 7 बजेगा, जब मैं 7 बता रही हूँ 7:09 और जीजी आ रही है पीछे को परात लेके और देखते हैं 7 हो जाएगा। ये रोकड़ोस है सब खेतन में अलग, सारी जगह ही है रोकड़ोस, हो पूरा गान में होगा अब रोकड़ो। झाड़ खोद दिया। तो भाई आ गए हैं इस खेत पे, देख सकते हैं जीजी आगे आगे चल रही है, दो फावड़ा ले रहे हैं। और इधर मैया जी का मंदिर है। तो मैं जा रही हूँ सुगा डालने के लिए कबूतरन को मैया जी के मंदिर पे, और बहुत सारे कबूतर आ गए हैं सब डाल देती हूँ सुबह। लोग देख के आ गई हूँ मैं सुबह भी डाल के, और इधर जीजी लग गई है काम के अपने काम के, तो हम भी लग जाते हैं क्योंकि तो फिर ताऊ उड़े मतलब धूप आ जाएगी ना, तो इसलिए तो ऐसे साफ करेंगे इस डोले को। ये देखो तो जीजी ने कर दिया स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो भाई खेत में आ रही है। तो भाई 9 का टाइम हो गया और जीजी पी रही है पानी, ठंडा ठंडा पानी, और चींटी इतनी ज़्यादा तिरगिया मारता उनका बहुत ज़्यादा अजी ताल मिली हुआ थी ना। और देखो हम यहाँ पे लग रहे हैं जी जी नहीं खेरी है कि अदर अदर से ले रही है धूप को। हाँ तो रेट तो फिर हो जाएगा, मेहनत कर रही है सुबारी चीटी चीटी टिरगी थोड़ा कुछ ना लेंगे। तो भाई जी जी चले गई है, लग गई अपने काम पे, तो मैं भी चलती हूँ, नहीं तो लड़ाई दोबारा से पहले ही लड़ रही है नहीं खेरी है, तावड़ो कर दिया था हमने, आराम से कर रही थी इसलिए। तो जी जी खोद रही है, मैं पीछे पीछे दो भेड़ी कर रही हूँ। चलते हैं भाई एक और खोद लेते हैं। तो भाई बच चुके हैं 10 और हम यहाँ पे बैठ गए हैं, देख सकते हैं तीन तीन क्योंकि तावड़ो से जरूर पड़ लग गो जी जी हमारी जी की आवे लगी। तब जी जी के तो हाथ में भी छाल हो गई, खांसी हो गई। तो भाई जाने वाले हैं अब घर पे क्योंकि टाइम भी 10 बज चुके हैं, फिर रोटी सब्जी बनाएंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ये देखो तो भाई जा रहे हैं घर, जी जी चल रही है आगे आगे, और एक फावड़े मत छोड़े जो ले भी ले बगैया दोबारा। तो भाई जा रहे हैं घर जी, तावड़े लग गया है ना लगी रही है और कुछ जी जी नहीं खा रही, मेरे तो जीव गला मार 10 बज चुके हैं, तावड़ लगने तो काई करे, और परात रात रख ली माता पे। तो चलते हैं आरो भी बाट नाल होगो। भाई आराम भी कर लिया है और अब बनाएंगे रोटी सब्जी, तो बना दिए नितारा के पापा जी ने, तो अब रोटी बनाएंगे। बच चुके हैं 10:30, तो नितारा की मम्मी बना रही है आम का जूस, तो एक एक गिलास पी के तो उसके बाद जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और बच्चे भी आम जूस पीने के लिए खड़े हैं वहाँ पे दोनों बच्चे। आम का जूस बन रहा है तो देखो ये कहाँ गिर रहा है, खड़ी तुम खड़ी ना आ रही हो, चलो बिल्कुल खड़ी हो चलो बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर फैलेगी आप उठ जाएगी बहुत तेज तेज। नींद ली ना नींद धर रखी है,
भाई को मिला कुछ मेरी बात मान लेंगे मैं कोई को ना दूं जूस लाइट जी सामान लिखा दीजिए ये लिखा जी जी तो ना धोली जी हमारे नाके भी आ गई है भाई हम तो ना आए अभी किचन आएंगे तो भाई मेरे लिए नीताना जूस लेके आ गई है आप ही रसोई में तो आ जाइए आप लोग पी लीजिए ठंडा ठंडा आम का जूस है और अब बनाने वाली हूँ रोटी इधर देखो तैयार कर दिया है तो आटा लगा के फिर उसके बाद बनाने का काम रहेगा जी जी जा रही हूँ मान के तो चलो पीक के फिर आटा आटा लगाते हैं भाई तो भाई रोटी बना ली है मैंने और इतनी तेज की गर्मी पड़ रही है बहुत तेज की गर्मी पड़ रही है देख सकते हैं रोटी बन गई है लास्ट की रोटी है मेरी तो ये भी बनने वाली है सबसे मोटी रोटी है और खा भी रही है खा जाएगी आप भी खा लीजिए गरम गरम रोटी है और सब्जी है टिंडा ही चलो यस बोलो इसमें भाई इधर यस है एक बार कार्टून बना दिखा बरसात भी आने लग गई है और तेज की बरसात है और इधर बन रही है हमारी चाय आई और खाना भी बन रहा है खा लीजिए मिर्ची और करौंदा की सब्जी है ना और इसमें हमारा दूध है भैंस दूध देती है तो यही दूध है थोड़ा सा तो रोटी तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तरह का तो जा रहे हैं कोटा तो इसलिए वही ये देखो आटा लगा दिया है इधर तो हल्की हल्की बरसात आ रही है तो भाई बरसात रुक भी गई है दोबारा से धूप भी आ गई है और जे जी चाय आई पी के अभी आराम कर रही थी वहाँ पे बैठ के और देखो बरसात होने के बाद कितना ठंडा मौसम हो गया तो भाई मैं आ गई हूँ मकान के पीछे की तरफ क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो गया और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो इसलिए मैंने सोची चल हवा खा लेती हूँ बरसात की ठंडी ठंडी और देखो दोबारा से हवा आने लग गई है भाई और बूंद तो रुक गए बरसात की मौसम बन रहा है शायद आएगी आंधी तो भाई चलते हैं अंदर क्योंकि आंधी आ गई रुक गए तो बहुत फायदा मतलब आ रही है आएगी वो तो है आंधी इधर से तो बहुत तेज की आंधी चढ़ गई है बहुत तेज की भाई इसलिए मैं तो आ गई हूँ आज के देखो धूप भी आ रही है हल्की हल्की आएगी आंधी इधर की तरफ चलो मैं आपको बताती हूँ अपनी तरफ पापा जी भी जा रहे हैं तो चलो आपको मिलते हैं आपकी तरफ से देख सकते हैं क्योंकि बरसात होने वाली है तो इसलिए जल्दी थोड़ी ये देखो जा चुके हैं तो बच्चे हमारे पीछे से पुकार रहे हैं कि भाई दादा ये देखो बादल कैसे हो रहा है काला बादल और छाए तो इसलिए भाई आपको ही पता है देखो बरसात आने वाली है तो जजीत को तो देखो का आ लोगो आन देखो ना देख रहा तुम्हारी जीजी आंधी देख रही है कि किधर को आ गई है आंधी क्या ऐसे देख रही है जीजी देख इतको जाफा ये तो या तो सब लोग आंधी का इंतजार कर रहे हैं कि कब आंधी आए कब मजल और भाई आंधी तो खराब ही है तो बच्चे और उतारता है लड़की बन को अब इसकी दे रहे तू बात खेले ये है ना ऐसे काट ले पर चल कार्टून बना ब्रो तो जल्दी ऐसे नहीं ओ जी जी हुआ अरे तेरा तो लग रही है माता में भाई काम हो गया छह बज चुके हैं तो ज्वार काटेंगे तो भाई मेरा भरोसा आने वाली हूँ मैं इन तरह की काट रही है ओगो ना तो भाई भरो उठो आज गारो भी है क्योंकि सुबह पानी से भरा दिया और इसी बरसात हो गई तो इसलिए और तो सुबह भराया ना पापा ने जब इतनी बरसात चली होती तो भाई बच चुके हैं सही नौ तो खाना वाना खा के सब फ्री है वो बर्तन भी साफ कर दिए हैं तो लेट रहे ठीक है दोस्तों सबको बाय बाय मेरी तरफ से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और में